आप और मैं होते तो शायद हम भी कहते प्रभु हम पानी पे चले। लेकिन जैसे ही पतरस पानी पर चले कुछ देर बाद वो पानी के अंदर थे, वो पानी के अंदर थे। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया। कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह जी ने मुर्दा लाजर में जान डाली। वो कैसे हुआ? क्या वो नेचुरल था या सुपरनेचुरल था? वो क्या होना स्वाभाविक था या ऐसा कोई इवेंट हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता? ये क्यों जरूरी है आपको जानना? मैं आपको ये समझाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग बहुत देर से किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना का जवाब आपको मिल नहीं रहा। क्यों नहीं मिल रहा? या आप बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने की, लेकिन वो हो नहीं रहा। वो क्यों नहीं हो रहा? कुछ लोग हैं, मैंने देखा कि हमारे ही राजपुरा में, हमारे पास के राजपुरा में दो व्यक्ति जिनकी बेटियां, एक दिहाड़ी करता था और एक गरीब मजदूर था, एक पुलिस वाला था एक गरीब मजदूर था, उन दोनों की बेटियों ने जज का एग्जाम क्लियर कर लिया और वो जज बन गई। सब जगह खबर फैल गई, गरीब की बेटी जज बन गई, गरीब की बेटी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और लोअर कोर्ट में इतनी ज्यादा जज बनते हैं, इनमें क्या खास था? मीडिया इनके पास क्यों गया? मीडिया को लगा ये कुछ सुपर नेचुरल हो गया, ये कुछ अद्भुत हो गया। कल मैं कहानी सुन रहा था जहां पर दो दोस्तों ने मिलकर एक लॉटरी का टिकट खरीदा, उसी दिन खरीदा। रस्ते में उनके पास, दोनों के पास 500 रुपए भी नहीं थे, 250 एक ने डाले, 250 एक ने डाले, अगले दिन उनका 2.5 करोड़ का इनाम निकल गया। वो दोनों बड़े खुश थे, मीडिया जा रही थी, बोले दोनों दोस्त बने करोड़पति, 1.5 करोड़ का इनाम निकला। हमारा जो समाज है वो भी सुपर नेचुरल पर बिलीव करता है। वो ये कह रहा है, वो ये समझता है कि उसके जीवन के तमाम जो परेशानियां हैं, तमाम जो हल हैं, वो परमेश्वर अद्भुत तरीके से हल करते लगता है ना? उनको यही लगता है। हालेलुया। सारा को लगता था क्या? परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है कि सारा जो थी वो 90 साल प्लस थी, 90 साल की औरत। और परमेश्वर के एक दूत ने कहा कि तेरे से एक ऐसा वंश उदय होगा जो गिना नहीं जाएगा, तारों के समान होगा। सारा हंसने लग गई, बोले मैं तो बूढ़ी हूं। क्या उसने सुपर नेचुरल पर बिलीव किया या वो नेचुरल था? इन दोनों पे आज हम ध्यान देंगे, जिंदगी सफल होगी। हालेलुया। परमेश्वर